डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय में हुए रेगिंग की घटना में पीड़ित छात्र आनंद शर्मा फिलहाल आदित्य नर्सिंग होम के आईसीयू में भर्ती है। आदित्य शर्मा की हालत गंभीर बताई जा रही है। डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने वाले आनंद शर्मा का पीएनजीबी हॉस्टल में रेगिंग के नाम पर वहां के सीनियर छात्रों ने पूरी रात उनके साथ मारपीट कर उनका हाथ पैर एवं कमर तोड़ देने का आरोप लगाया है पीड़ित छात्र के परिवार वालों ने। इस विषय पर आदित्य नर्सिंग होम के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर निर्मल साहेवाला ने आनंद शर्मा के हालत एवं मानसिक स्थिति के बारे में सभी को अवगत कराया। आनंद शर्मा डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय से जो रेगिंग का बलि हुआ था, वो बच्चा हमारे यहाँ परसों भर्ती हुआ है और उसको काफ़ी शरीर में चोटें आई हैं, जिसमें उसको मेन जो हड्डी है पीठ की, उसमें कमर की हड्डी में ज़्यादा चोट आई है और वो हड्डी बिल्कुल टूट गई है और उसके मतलब कुछ नर्व के ऊपर प्रेशर हो रहा है, जिसके कारण वो खतरनाक साबित हो सकती है और उसके लिए एक बहुत ज़रूरी ऑपरेशन दो एक दिन में करना बहुत ज़रूरी है। बाकी उसके हाथ की भी एक हड्डी टूटी है। मानसिक रूप से वो काफ़ी मतलब अस्वस्थ है, काफ़ी उसको टॉर्चर किया गया है ऐसा लगता है और पूरे शरीर में उसको दर्द है, तो वो अभी मतलब बिल्कुल कहीं भी हाथ लगाने से वो चिल्लाता है, ये इसकी हालत है। तो हालत अभी कुछ स्टेबल है, लेकिन ये मतलब ये सर्जरी वगैरह करने के बाद ही पता चलेगा कि वो कितना और इम्प्रूव हो सकता है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य।